मेरे प्यारे से बच्चों, तो कक्षा दसवीं के बच्चों को पता ही चल गया होगा उनके बोर्ड एग्जाम कब हैं। अरे 24 फरवरी से स्टार्ट है, नहीं सुना क्या? सुन लो, 24 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। और फिलहाल मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ ये बता दो, ठीक है? ज्यादा बातें करूंगा, टाइम बर्बाद हो, क्या फायदा, तुम चले जाओ, ठीक है? क्योंकि तुमको बड़ी जल्दी रहती है, धैर्य तुम्हारे अंदर है नहीं है, तो थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। ज्ञान क्या दे दूं? सिंपल है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे 100 अंक तैयार कराने वाला हूं, यानी कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल से लेके आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो SST का पेपर है, सामाजिक पेपर, ठीक है, उसकी भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स हैं, वो सभी क्लियर कराने वाला हूं। इसलिए मैंने थंबनेल पर लिखवाया है, क्या लिखवाया है, 100 नंबर पक्का। ऐसा नहीं है थंबनेल पर लिखा दिया 100 नंबर पक्का और अंदर पढ़ा रहे हैं 20 नंबर का चर जी, तो भैया जो चीज हमको नहीं आती है, हमने लिखा है 100 तो हम 100 ही दिलाएंगे तुमको, ठीक है? 30 नंबर का तुम्हारा प्रैक्टिकल का भी बता देंगे और बाकी का जो 70 नंबर का है जो पेपर में आएगा वो भी बता देंगे, ठीक है? चलो, 55 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको ये दिख ही रहा होगा, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से दिख रहा है या नहीं? अरे ये तो रहा 55 महत्वपूर्ण टॉपिक, वो टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में लगातार हर साल बच्चों को देखे जाते हैं, चाहे 2024 का रहा पेपर, 23 का रहा, 22 का रहा, 21 में हुए नहीं थे और उसमें तो हो गए थे 2020 में, फरवरी में हो गए थे, तो 2020 में रहा, 19 रहा, 18 रहा, 17 रहा, उन सभी सालों में लगातार जो क्वेश्चन हर बार बच्चों को बोर्ड एग्जाम में SST में देखने को मिले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ओके? चलिए, तो 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया बाजू चढ़ा लें ऊपर, ठीक है? अरे यार, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए PPT बनाकर लाए हैं, 55 टॉपिक लेके आए हैं, अगर इनको विद सॉल्यूशन चाहते हो तो 9058704381 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूं, मुझे फ्री ग्रुप में ऐड कर दो, वहां आपको ऐसी PDF मिल जाएंगी, पहली चीज। और बाकी अदर क्लासेस विज्ञान जिसकी भी स्टार्ट होंगी उनका भी आगे का आपको पता चल जाएगा, ठीक है? एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा हुआ है ग्रुप का, वैसे बहुत कम बच्चे जानते हैं ज्वाइन करना, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूं नंबर से ही। चले, तो पहला है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए, ये 2023 और 24 दोनों में आया था। नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं 2023। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए क्या 2023। लगातार हर साल ये पेपर देखे, क्वेश्चंस देखे जाते हैं। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है? महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा है तो उन्होंने वो कौन कौन से 3 आंदोलन थे जो किए थे, ठीक है? और उन तीनों के बारे में पूरी डिटेल बताओ, क्या उनके कारण थे, क्या उनका शुरुआत रही, ठीक है, और क्या ही उसका अंत रहा, यानी कि निष्कर्ष, यानी कि उपसंहार, लास्ट क्या निकला था, ठीक है? 5वां, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। 2023 में ये आया, 2023 में, 24 में भी ये दोनों आए। कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हाल किस प्रकार हुआ स्पष्ट कीजिए, इसका बताइए, ये 2023 में है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 55 महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ओके? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए 2023। एफडी ना समझ लेना जो बैंक में कराते हैं। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन, 18वीं सदी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई,
दो कारण बताइए, 2023 एक्स 2024 बीडी। ठीक है, दसवां प्रश्न, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? 11वां क्वेश्चन, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसे हेतु कोई दो तीन उपाय सुझाइए। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई दो तीन उपाय बताइए। ये वाला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं वो आपको बता दूंगा, उस बात की फिक्र ना करो। ठीक है, बाकी उन्होंने लिख ही रहा है कि वो कब आते, 2022 में आया, 23 में आया, 24 में भी आया था। ठीक है, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए, 2022, 23 और 24, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 सालों से लगातार आ रहा है ये। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। अगला, मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों जाति का वर्णन कीजिए। ठीक है, 2023 FC। एक चीज मैं बता दूं, देखो अभी ये सिर्फ एज अ क्वेश्चन, एज अ टॉपिक आपके सामने है 55। अगर आप चाहते हो कि आपके ये SST वाले सर आपको इनको विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ में महामैराथन क्लासेस द्वारा पढ़ाएं, तो आपको इस वीडियो पर ज्यादा नहीं मेरे बच्चों, सिर्फ 100+ लाइक कराने हैं। कितने? 100+ लाइक। अरे बहुत मामूली सा टारगेट दे दिया, और 100+ मुझे कमेंट चाहिए, 100+ मुझे क्या चाहिए? कमेंट चाहिए। और उन कमेंट में मुझे क्या सुनना है, क्या लिख पढ़ना है, कि बच्चों के कमेंट यही हो कि सर इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आओ। जब आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे तो बस बल्ले बल्ले है तुम्हारी, फिर क्या है। भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए, 2023 FA, 2024 FD। जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए, 2020 NCERT एक्सरसाइज। ठीक, अगला प्रश्न, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? व्याख्या कीजिए। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं? इसे दूर करने के उपाय सुझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कैसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है या नहीं? बताओ यस और नो। इम्पॉर्टेंट है या नहीं ये बता सकता कोई? तो यही 18 क्वेश्चन कराए अभी, जिसमें से मैंने कुछ 3 से 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताए और आगे भी बताऊंगा। चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए, तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, 2023 EY। वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, 2023 EZ। ठीक है, अगला, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, इसे समझाइए। यानी कि ये कैसा क्वेश्चन है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, जिन भी क्वेश्चंस के आगे ये आ जाए ना कि समझाइए, तो फिर आपको कारण उपाय नियम एट द लास्ट स्टोरी, मतलब पूरा आपको उसके बारे में विवेचन करना है, यानी कि बताना है। ठीक है, अगला क्या है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? अभ्रक की उपयोगिता बताइए, एवं भारत में इसके किन्हीं 2
उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। अगला, क्या भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है? व्याख्या कीजिए। 2023 FB 2024 में भी ये आया है। अलोह खनिज किन्हें कहते हैं? अलोह खनिजों में किन किन खनिजों का शामिल किया गया है? स्पष्ट कीजिए। 2023 FC। महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीयकरण के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। अब तक आपके 27 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर आप ये 27 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं तो 50 अंक आपके SST में क्लास 10th के बच्चों के कहीं नहीं गए, क्लास 10वीं के बच्चों के क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ये वाला जो मैंने क्वेश्चंस हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका जब मैं थोड़ी देर के लिए साइड हटता हूँ, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक कर बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़ी सरलता के साथ में, सहजता के साथ में क्लिक कर देना, ग्रुप में जुड़ जाओगे, मैसेज कर देना, उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा उस ग्रुप में। जहाँ से आपको, ये तो SST है, हिंदी भी पढ़ाता हूँ मैं, तो हिंदी की भी PDF मिल जाएगी। मतलब कुल मिलाकर सबका आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 28वां क्वेश्चन, सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। 29वां क्वेश्चन, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। 30वां क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। ये आपका 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? 2023 EX। 32वां क्वेश्चन, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। 33वां क्वेश्चन, भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। 2023 EG। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो लगातार देखे जाते 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके चल रहे हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को बड़े आराम से, बड़े प्यार से तैयार करते हो तो भाई आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक टोटल आपके 36 क्वेश्चन तैयार हुए। कितने? 36 क्वेश्चन। देखो बेटा, मैं एक चीज़ जानता हूँ, क्लास 10वीं के बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। पहली बार तो आपको सबसे पहले डर लगेगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं विद्यार्थी जीवन से गुजरा हूँ। ठीक है, पहली बार तो आपको डर लगेगा जब आप इतनी बड़ी क्लास 10वीं को भी, जहाँ लिखा हुआ है हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश, आपके सामने इस तरीके से कॉपी आएगी, प्लस एक न्यू फंडा और ऐड हो गया इसमें OMR वाला। इसके ऊपर जल्दी ही मैं वीडियो डालूंगा, OMR सीट जो है कैसे फिल करते हैं, कैसे आपको उसमें आंसर देने होते हैं, इसके ऊपर मैं जल्दी ही कुछ 20 मिनट का इसके ऊपर वीडियो आएगा। ठीक है, देखो छोटी छोटी वीडियोस सही, लेकिन छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको बहुत कुछ बता देता हूँ। जब आपके सामने इस तरीके की कॉपी आएगी तो मुझे पता आपको डर लगेगा, जब आपके हाथ में एक इस तरीके का पेपर आएगा तो मुझे पता है आपको डर लगेगा। ठीक है, ये पेपर, ये कॉपी, क्योंकि पहली बार दे रहे हो दूसरे स्कूल में, और ये भी नहीं पता कि मेरे पास में मेरा दोस्त बैठा रहेगा नहीं रहेगा, है ना,
या फिर दोस्त ना सही, मेरे क्लास का कोई बच्चा बैठा रहे, मेरा क्लासमेट ही कोई हो, नहीं होगा, बराबर में किसी और स्कूल का बच्चा बैठा होगा, पीछे कोई और बच्चा बैठा होगा, आगे कोई और बच्चा बैठा होगा। ऐसा भी नहीं है तुम एक दूसरे से पूछ सकते हो थोड़ा बहुत डाउट होने पर। तो बेटा मेरी नज़र में मैं एक ही बात कहूँगा, अपनी तैयारी संपूर्ण रूप से कर जाना, बिल्कुल भी उसमें थोड़ी सी भी गलती मत करना, ठीक है। अभी समय है, देखो अभी क्या है, अभी आपका आज जो है 9 दिसंबर है, ठीक है। इसके बाद अभी दिसंबर पूरा ऐसे, दिसंबर जनवरी 2 महीने आपके पास हैं। लंबा अगर मैं बात करूं तो 60 डेज के लिए क्या आप अपनी मटर गश्तियों को बंद नहीं कर सकते? जो फालतू दोस्ती में जो फालतू समय व्यतीत करते हो उसको इग्नोर कर दो। अगर गलती से अगर प्यार व्यार करने लग गए हो तो उस प्यार को इग्नोर कर दो, ध्यान दो अपनी लाइफ पर। अगर जिंदगी में भविष्य में कुछ करना चाहते हो माँ बाप के लिए, देखो हाई स्कूल में मुझे पता है बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली ये हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, कि वो किसी के भी लिए मतलब किसी भी के लिए नहीं, मतलब किसी के लिए फील करना स्टार्ट कर देते हैं एज अ लाइक लव। हालांकि उनकी नज़रों में उस समय गंदा नहीं होता, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो बाद में बहुत गंदा हो जाता है। लेकिन वो चीज़ आप नहीं करना, अभी आपका समय है पढ़ने का। वो कहते हैं ना कि खेलने के समय खेलो, सोने के समय सो जाओ, खाने के समय खाओ, ठीक है, पढ़ने के समय पढ़ाई करो, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर सोने का टाइम है और उस टाइम तुम पढ़ रहे हो तो ना तो पढ़ ही पाओगे ना सो पाओगे। अगर आपने देखा होगा कि आप रात को 11 12 1 बजे तक नहीं जगते हो और आप किसी दिन रात को 11 12 1 बजे तक पढ़ने लग जाओ तो आपसे ना पढ़ा जाएगा और ना ही सोया जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर दिन में पढ़ लेते हो और रात में आराम से सोते हो तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है, कंडीशनल हो जाती है नहीं, तो ऐसा ही होता है। तो विद्यार्थी हो, विद्यार्थी जीवन को नियम के अनुसार बनाए रखो कि मैं भाई रात को जल्दी आराम से 9-10 के बीच में सो जाऊंगा, सुबह जो है अपना 4 बजे 5 बजे 6 बजे मैं उठूंगा, उसके बाद में मेरे पास 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी टाइम है मैं उसको अपना स्टडी को दूंगा, उसके बाद मैं अपना स्कूल चला जाऊंगा, स्कूल से आने के बाद मैं अपना खाना खाकर फिर थोड़ा सा स्टडी करूंगा, फिर मैं थोड़ी देर की 1 घंटे की नींद ले लूँगा, फिर उसके बाद मैं अपना कंटिन्यू स्टडी करूँगा 5-5 बजे तक 6 बजे तक, उसके बाद मैं 2-3 घंटे जो है अपने घर वालों के साथ थोड़ा बैठूंगा, बात करूंगा, उनका काम कराऊंगा, और फिर उसके बाद मैं अपना फिर से पढ़ाई में जुट जाऊंगा, पढ़ाई करने के बाद खाना खाकर मैं अपना आराम से सो जाऊंगा, मैं किसी चीज़ का टेंशन नहीं लूंगा। अगर आप इस तरीके का भी एक टाइम टेबल फॉलो करते हो तो आपको कोई भी रिकॉर्ड बनाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जो निरंतर मेहनत करता रहे, निरंतर अपने आप को समय के ढांचे में ढालता रहे, उसको कभी कोई भी तोड़ नहीं सकता, ठीक है। कैसी भी बुरी आदत, कैसी भी गंदी चीज़ें कभी नहीं बिगाड़ सकती, ना ही उसका आप बुरी संगति में क्यों ना बैठना हो, कभी वो संगति उसको बिगाड़ नहीं सकती, बाकी महादेव की इच्छा, ठीक है। चलें आगे, प्रश्न है आपके भारत में, अच्छा 36 क्वेश्चन में यहाँ तक कंप्लीट करा दिए, आगे बढ़ते हैं। भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने के सुझाव दीजिए, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये जातियों का जो चक्कर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जाति का धर्म का, ठीक। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसे उत्तरदायी जिम्मेदार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है? 2023 FC में यह आया था। विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? 2023 DC। आर्थिक गतिविधियों, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? 2023 EY। देख रहे हो लगातार अब जो आएंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और ज्यादा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा 2005 के उद्देश्यों को लिखिए। ये 2020 22 23 और 24 लगातार आया था, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट कर लेना भाई, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो मैं साइड हो जाता हूँ, हो गया होगा अब तो।
आर्थिक गतिविधियों से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण कीजिए 2023 FC। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए 2023 EY। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए 2023 EZ। उपभोक्ता के शोषण के कारणों का वर्णन कीजिए 2023 EZ। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए 2023 FB। तो आप इसका मतलब समझ रहे हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों ही क्वेश्चन। ये तीनों ही क्वेश्चन कैसे हैं आपके? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन चीजों को भूलकर इग्नोर मत करना, इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को, वरना नुकसान तुम अपना ही करोगे। देखो मेरा कुछ नहीं है, मेरा काम है तुमको पढ़ाना, मेरा काम है तुमको समझाना, क्योंकि एक शिक्षक का काम होता है विद्यार्थी को शिक्षा देना। एक तो काम होता है शिक्षक का, गुरु का काम होता है कि अपने विद्यार्थी या फिर अपने चेले को, अपना जो चेला है, आप जो मेरे बच्चे हो, आप विद्यार्थी हो, आपको सही मार्गदर्शन कराना, सही चीज़ों का एहसास कराना, गलत चीज़ों से दूर रहना, यही तो मेरा काम है। अगर मैं यही नहीं करूँगा तो क्या फ़ायदा मेरा होने का, बता सकते हो कोई? तो ऐसे ही है, ध्यान दो स्टडी पर। आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ 2023 FB। 50वां क्वेश्चन, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है 51वां। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है 2023 EX। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है 2020 में भी आया था, 23 में भी आया था और 24 में भी आया था। ठीक है, 53वां क्वेश्चन, भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ने के कोई तीन कारण लिखिए। भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ने के कोई तीन कारण लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 54वां क्वेश्चन, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाइयां बताइए। 55वां, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके जो 55 यानी कि 55 महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो होते हैं आपके खत्म। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करते हो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो ये समझ लो बस हो गया आपका काम। फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई भी झुका नहीं सकता, पीछे छोड़ नहीं सकता, अगर आप इनको कर लेते हो। बाकी भैया महादेव की इच्छा। हमारा काम था आपको समझाना, समझा दिया। हमारा काम था आपको थोड़ा सा टाइम टेबल बताना, हमने बता दिया। हमारा काम था आपको 100 में से 100 अंक प्राप्त करने वाले महत्वपूर्ण 55 टॉपिक बताना, हमने बता दिया। अब आपका जो काम है वो क्या है, इनको अच्छे से पढ़ना, तैयार करना, बाकी महादेव की इच्छा। ठीक है, तो हर हर महादेव। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके मित्र गणों के लिए इम्पोर्टेंट हो खास करके। ठीक है, चलें इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।